प्रहेलिका, प्रहेलिका इसमें ये चैप्टर क्या है, इसमें बहुत सारे मीन्स 5-4 पजल्स दिए हुए हैं, उसको आपको समझना है कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। तो आज को हम वो रीड करेंगे, जैसे इसमें फर्स्ट में जो आंसर में दिया हुआ है उसका कोकोनट है, सेकंड में स्नैप ऑफ द फिंगर, तो ये आपको ये जो पजल दिए हुए हैं आज हम वो पढ़ेंगे, ओके। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाड़ी त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ। वृक्षाग्रवासी जो क्या हो, पेड़ के सबसे ऊंची शाखा पर बैठता हो, न च पक्षीराज लेकिन वो पक्षीराज नहीं है, त्रिनेत्रधारी जिसके 3 आईज हो, न च शूलपाड़ी लेकिन वो गॉड शिव नहीं है, त्वग वस्त्रधारी जो भगवा मीन्स स्किन कलर का जो क्या हो क्लोथ जो पहना हुआ हो, न च सिद्ध योगी लेकिन वो कोई साधु नहीं है, ओके कोई मॉन्क नहीं है, जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ बहुत सारा जल से भरा हुआ है, उस मीन्स वो जल से पूरी तरह से भरा हुआ है लेकिन वो क्लाउड नहीं है और वो कोई पॉट नहीं है, कोई घड़ा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अ कोकोनट। मीन्स कोकोनट में क्या होता है, उसके 3 आईज होते हैं, आप उसको देख सकते हो कि जो उसका ऊपर का जो रहता है फर्स्ट जो पार्ट होता है वो कैसा दिखता है, तो यहाँ पे क्या दिया है, त्वग वस्त्रधारी जो स्किन कलर का जो क्लोथ है वो पहना हुआ है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो कोकोनट होता है उसका जो ऊपर जो लेयर होता है वो कैसा दिखता है। वृक्षाग्रवासी जो पेड़ के सबसे ऊंची शाखा पे, आप ये देख सकते हैं कि कोकोनट का जो पेड़ होता है तो कोकोनट जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, लगा रहता है, लेकिन वो पक्षीराज नहीं है, उसके 3 आईज है लेकिन वो गॉड शिव नहीं है, वो स्किन कलर का क्लोथ है लेकिन वो कोई मॉन्क नहीं है, उसमें बहुत सारे जल हैं, वाटर है, ओके कोकोनट में क्या होता है पानी रहता है, तो वो कोई क्लाउड नहीं है और वो कोई पॉट नहीं है, वो क्या है अ कोकोनट, ओके। सेकेंड नंबर, नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति, मीन्स जो क्रिएटेड फ्रॉम अ मैन एंड अ वुमेन, ओके जो नर और नारी दोनों से क्या हो क्रिएट होता हो, सा स्त्री देह विवर्जिता जो बिना बॉडी का हो, मीन्स क्रिएट वो क्या है, मीन्स मैन और वुमेन दोनों से क्रिएट, जो मीन्स जिसको दोनों क्रिएट कर सकता हो, जो बिना बॉडी का हो, अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति, मीन्स जो तुरंत क्या उसका वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तुरंत आए और तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या होगा इसका अ स्नैप ऑफ द फिंगर, ओके। थर्ड नंबर, पंच भत्री न पांचाली यो जानाति स पंडितः दंतहीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः। पंचभत्री न पांचाली जिसके 5 हस्बैंड हो लेकिन वो पांचाली नहीं है, राइट। मींस जो पांचाली मींस द्रौपदी को पांचाली बोलते हैं क्योंकि उनके 5 हस्बैंड थे, उन्होंने 5 पांडवों से शादी की थी इसलिए उनको पांचाली बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि वो इसके मींस ये क्या है, 5 हस्बैंड है लेकिन वो पांचाली नहीं है। यो जानाति सब पंडित जो जानता है वही पंडित है, वही स्कॉलर है। दंतहीना शिला भक्षी जिसके जो विदाउट क्या हो टीथ का हो, जो शिला भक्षी मीन्स जो स्टोन को खाने वाला हो, भक्षी मीन्स खाने वाला। निर्जीवो बहुभाषक जिसका कोई लाइफ ना हो, ओके। पंचभत्री न पांचाली जिसके 5 हस्बैंड हो लेकिन वो पांचाली नहीं है।
जो सब कुछ जानता है लेकिन वो स्कॉलर नहीं है, जो क्या है बिना टीथ का है, राइट, जो स्टोन को खाने वाला है, जिसका कोई लाइफ नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पेन, यानी कि फाउंटेन पेन। ओके, फोर्थ नंबर है, नेक्स्ट है, कृष्णमुखी नौ मार जारी, द्विजिह्वा नौ च सर्पिणी, पंचभत्री नौ पांचाली, यो जानाति सब पंडिता। कृष्णमुखी नौ मार जारी, जिसका फेस ब्लैक हो लेकिन वो कैट नहीं है। मार जारी मीन्स कैट, बिल्ली को संस्कृत में मार जारी बोलते हैं। ओके, जिसका फेस ब्लैक हो लेकिन वो क्या है, कैट नहीं है। द्विजिह्वा न च सर्पिणी, जिसके दो जिह्वा हो यानी कि टंग हो लेकिन वो स्नैक नहीं है। पंचभत्री न पांचाली, जिसके फाइव हस्बैंड हो लेकिन वो क्या है, वो द्रौपदी नहीं है, वो पांचाली नहीं है। यो जानाति सह पंडिता, जो जानता है वही पंडित है, वही स्कॉलर है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड नंबर का पेन यानी फाउंटेन पेन। फोर्थ नंबर, दंतहीना शिला भक्षी निर्जीवो बहु भास्कः, गुण स्योति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति। दंतहीना मीन्स जो विदाउट टीथ का हो, शिला भक्षी जो स्टोन को खाने वाला हो, निर्जीवो बहु भास्कः जो जिसकी कोई लाइफ ना हो, गुण स्योति समृद्धो अपि जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज हो, परपादेन गच्छति जो दूसरों के पैरों से चलता हो, जो विदाउट टिथ का हो, जो स्टोन को खाने वाला हो, जिसका कोई लाइफ नहीं है, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, मीन्स वो क्या होती है, उसमें जो दूसरों के पैर से चलता भी है, राइट, क्वालिटीज मीन्स जो चैटर बॉक्स। ओके, तो इसका क्या होगा यहाँ पे, और शू। ओके, नेक्स्ट है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति कर्णाम कुलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम। कस्तूरी जायते कस्मात् मीन्स जो कस्तूरी होती है वो कहाँ से आती है, कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है। को हन्ति कर्णाम कुलम, कौन हाथियों के झुंड को क्या करता है, उनको मारता है। किम कुरियात कातरो युद्धे, जो कायर होते हैं वो क्या करते हैं, युद्ध में जो कायर होते हैं वो क्या करते हैं, युद्धे मृगात सिंह पलायनम, और एक शेर क्या होता है, वो वहां से चला जाता है। यहाँ पे इसके तीन क्वेश्चन है, फर्स्ट में कस्तूरी जायते मृगात। ओके, कस्तूरी जायते मृगात मीन कस्तूरी कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हिरन से। इसके तीन आंसर है, कस्तूरी क्या होता है, हिरन से प्रोड्यूस होता है, हिरन आप देख सकते हैं हिरन के नाभि में कस्तूरी होता है। ओके, इसके तीन आंसर है कि जो कस्तूरी होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, यानी कि मस्क इज क्रिएटेड इन द नेवल ऑफ अ डियर। ओके, सेकेंड नंबर है, जो से शेर है वही क्या है, अ लायन किल्स अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। थर्ड नंबर है कि जो कायर होते हैं वो क्या करते हैं, वो युद्ध छोड़ के भाग, जो कायर होते हैं वो अगर लड़ाई हो रही हो तो वहाँ से क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। अगर वो कायर नहीं रहते तो लड़ाई हो रही है तो वो लास्ट तक युद्ध करते रहेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में ये क्या है, पजल है, इसमें पजल के द्वारा इस चैप्टर को समझाया है, उसमें इसके आंसर भी है। फर्स्ट में हमने समझा कि जो जिसके थ्री आईज हो, जो स्किन कलर का क्लोथ पहनता हो, ओके, जो पेड़ के सबसे ऊंची शाखा पे हो, जिसमें पानी भी हो लेकिन वो क्या है, क्लाउड नहीं है, वो पॉट नहीं है, उसका आंसर हमने देखा था कि वो कोकोनट है। सेकेंड नंबर में, जो तुरंत डिस्ट्रॉय हो, ओके, जिसको मैन और वुमेन
दोनों क्रिएट कर सके, दोनों के द्वारा क्रिएट होता हो। तो उसमें हमने देखा सेकेंड नंबर क्या था, स्नैप ऑफ द फिंगर। थर्ड नंबर में जिसके पांच पत्नी हो लेकिन वो, जिसके पांच हस्बैंड हो लेकिन वो पंचाली नहीं है, जो सब कुछ जानते हैं वो स्कॉलर नहीं है। तो उसमें क्या था कि हमने देखा वो है फाउंटेन पेन। और फोर्थ नंबर में इसमें आया था शू, ओके, जो दूसरों के पैरों से चलता हो, राइट, जिसका कोई लाइफ ना हो, राइट, जो जो बिना टीथ का हो लेकिन भी वो क्या करता हो, खाता हो। तो उसमें क्या आया था शू। आभार।